लिसन शाइना, मायरिया इज अ वेरी स्मार्ट गर्ल, ओके? उसे अपना काम करना खुद आता है. कभी कभी मेरी जरूरत पड़ती है, लेकिन तुम्हारी प्रेयर्स की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी. अभी तक तो उसने पल्लवी का डोर भी नॉक कर लिया होगा. गुड मॉर्निंग मॉम. गुड मॉर्निंग. और अगर वो अंदर आ गई होगी तो फिर? तो क्या, रिया स्माइल करेगी और फिर रोने लगेगी. रिया? पल्लवी को ये देखकर बहुत बुरा लगेगा. वो उसे कंसोल करने के लिए गले लगाएगी और गले लगते ही रिया और जोर से रोने लग जाएगी. रिया? क्या क्या हुआ है बच्चा, तू ऐसे क्यों रो रही है? कुछ तो बता. डोंट क्राई लाइक दिस. मुझे बहुत टेंशन हो रही है. प्लीज टेल मी. कोई बात है तो मुझे बता. आई विल ट्राई एंड सॉर्ट एवरीथिंग. प्लीज बेटा ऐसे मत रो. व्हाट हैपेंड? वो उसे चुप कराएगी और रिया चुप होते ही पल्लवी से कहेगी कि वो चाहती है कि प्राची इस घर से चली जाए. मॉम, मैं आपसे ये कहना नहीं चाहती थी. ट्रस्ट मी, आई रियली डिडंट वांट टू ब्रिंग दिस अप, बट अब मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ. मॉम, मैं परेशान हो चुकी हूँ. हर रोज मैं टेंशन में होती हूँ. I'm just feeling so insecure, मॉम. एक emptiness फील होती है, जैसे कि मेरा कोई है ही नहीं, जिसकी वजह से मेरा स्ट्रेस लेवल भी बढ़ रहा है. And trust me, मुझे अपनी चिंता नहीं है, मुझे अपने होने वाले बच्चे की चिंता है. मॉम, अगर मैं ऐसे ही रही तो मेरे बच्चे के हेल्थ पर क्या असर पड़ेगा, क्या होगा उसका? मैं जानती हूँ कि हर माँ को खुश होना चाहिए, हंसना चाहिए, पर मैं खुश नहीं हूँ. मॉम, नहीं हूँ मैं खुश. मैं ना सो सकती हूँ, ना हंस सकती हूँ, बस रोती रहती हूँ. मॉम, अंदर से मैं खुश ही नहीं हूँ. कभी कभी तो लगता है कि मैं माँ ही क्यों बनी. उसकी ये हालत देखकर पल्लवी के उस पर बहुत तरस आएगा. उसे लगेगा जैसे कि उसकी खुद की बेटी रो रही है. बचपन से उसने रिया को अपने बच्चे की तरह ही ट्रीट किया है. रिया, आई एम सो सॉरी कि तुम्हें ये सब प्रेगनेंसी में ये सब देखना पड़ रहा है, तुम्हें ये सब झेलना पड़ रहा है. यू शुडंट हैव टू गो थ्रू ऑल दिस. लेकिन बेटा, फिर भी तुम्हें खुश रहना सीखना होगा ना. मॉम, अगर मैं आपसे कुछ पूछूं, आप मुझे देंगी? Of course, Riya, anything for you. तो मॉम, आप प्लीज प्राची को इस घर से जाने के लिए कह दीजिए. मॉम, आप कहेंगे ना तो वो चली जाएगी, और वो चली जाएगी तो I'll be stress free. मैं खुश हो जाऊंगी. बोलिए ना मॉम, आप उसे बोलेंगी ना? बोलिए ना मॉम. हाँ, मैं बोलूंगी उसे. मैं प्राची को इस घर से जाने के लिए बोलूंगी. रियली? मॉम, आप नहीं जानती आपने क्या कह दिया. मॉम, थैंक यू सो मच. मॉम, यू नो व्हाट, नाउ आई विल बी हैप्पी, आई विल बी स्ट्रेस फ्री. एंड मॉम, ट्रस्ट मी, मैं खुश इसीलिए नहीं होंगी क्योंकि प्राची इस घर से जा रही है. आई विल बी हैप्पी क्योंकि अब मैं अपने बच्चे का ध्यान अच्छे से रख पाऊंगी. मॉम, I'll be able to take care of my child. मॉम, I know, लेकिन उसके लिए तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना होगा. यू हैव टू ट्रस्ट मी. मैं जो भी बोलूंगी सबकी भलाई के लिए बोलूंगी. टेल मी रिया, मैं जो बोलने जा रही हूँ वो तुम करोगी ना? मैं प्राची को इस घर से जाने के लिए कहूंगी, लेकिन 9 महीने बाद. और उसके लिए तुम्हें रणबीर को डिवोर्स देना होगा.